कमला कृषि उत्पन्न बाजार समिति नागपुर के चुनाव में पशु संवर्धन, क्रीड़ा व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के सहकार पैनल ने इतिहास रचा। इस पैनल ने सभी 18 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने विरोधियों को धूल चटाई। जिला परिषद में जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए बाजार समिति में भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी ने एकत्रित होकर भाजपा को परास्त कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगभग 9 साल बाद बाजार समिति के चुनाव कराए गए। विजयी उम्मीदवार अब बाजार समिति के विकास पर जोर देंगे। सुनील केदार के सहकार पैनल के सेवा सहकारी संस्था क्षेत्र से प्रकाश नागपुरे, बेनीराम राउत, वसंत राव लाड़ंगे, अजय राउत, अहमद भाई शेख, विजय चौधरी, बाबराव शिंदे, रवि चंद्राबाई नांदुरकर, अंजलि शिंदे, हरिभाऊ गाड़बेल, अशोक सोनवाने, इसी तरह ग्राम पंचायत क्षेत्र के संजय कुंटे, दीपक राउत, महेश चोखंद्रे, नारायण कापसे, व्यापारी क्षेत्र के प्रकाश वाधवानी, अतुल सेनार और हमाल क्षेत्र से किशोर पालुंदुरकर ने भारी मतों से जीत दर्ज की। कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर बाबा साहेब केदार की एक तरफा सत्ता थी। 18 वर्ष बाद भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस ने पुनः जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा की तरफ से शेतकरी परिवर्तन पैनल का नेतृत्व पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक समीर मेघे ने किया। सुनील केदार के सहकार पैनल को नाना गावंडे और पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक ने मदद की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।